The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto. Main hoon Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, jaisa ki humne baat kari thi ki acute bronchitis pe hum ek video banayenge. Chest cold, basically ओमिक्रॉन जो वायरस आ रहा है वो बोला जा रहा है कि ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस करता है, मतलब ये लंग्स के अंदर डीप अंदर तक जो एल्वियोलाय होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं, वहाँ तक नहीं जाता है। ये एयरवेज जो सांस की नलियों में ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, सांस की नलियों में पनपना है। तो चेस्ट कोल्ड या एक्यूट ब्रोंकाइटिस उसी चीज़ को कहते हैं कि लंग्स में जाने वाली जो सांस की नलियाँ हैं वहाँ पर अगर इन्फेक्शन होता है, और वहाँ पर इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है, सिम्टम उसके क्या आएंगे, ठीक कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है, आज उस एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में हम बात करेंगे। सो निमोनिया वो होता है जब लंग्स के पैरेन्काइमा में, यानी सांस की नलियों से आगे जाके लंग्स के जो गुब्बारे होते हैं, छोटे 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 एल्वियोलाय होते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन चला जाए। वहाँ इन्फेक्शन के वजह से पानी भर जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है, और वो जो गुब्बारे हैं वहाँ पर उनका जो फंक्शन है कि ऑक्सीजन को अंदर खून की नसों में डालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो नहीं कर पाते, और पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करता है, जो हमारे सेकंड वेव में हमने डेल्टा वाले जो कोरोना वायरस है उसमें देखा था। और यही चीज़ सांस की बीमारी और कई सारी और हार्ट की बीमारियों में भी देखने को मिलती है। लेकिन एक्यूट ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों में इन्फेक्शन होता है, या कई बार ये एलर्जी के वजह से भी हो सकता है, तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। उस केस में बस इतना होता है कि सांस की नलियों के अंदर जो नेचुरल म्यूकस होता है, बलगम होता है, जी हाँ, नेचुरली वहाँ पे बलगम होता है, जिसके अंदर जिसका फंक्शन होता है कोई भी धूल मिट्टी आए उसको वो पकड़ ले, ट्रैप्ड कर ले, वो अंदर लंग्स के अंदर तक ना जाने दें, इसलिए सांस की नलियों के पूरे सर्कम्फ्रेंस में म्यूकस लगा होता है। तो जब भी वहाँ ब्रोंकाइटिस होता है, एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ का म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाने से बलगम एक तो ज़्यादा हो जाता है और कई बार गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से आपका लंग्स की सांस की नलियाँ थोड़ी थोड़ी छोटी पतली हो जाती हैं, तो कई बार आपको खांसी आती है, खांसी आती है, उसे क्लियर करने का सेंस आता है, इसलिए कंजेशन लगता है सांस के अंदर, सांस की नलियों में, इसी वजह से आपको खांसी आती है। और चेस्ट कोल्ड इसी को कहते हैं। एक होता है नाक का कोल्ड जिसमें नाक बंद होता है, चेस्ट कोल्ड जिसमें सांस की नलियां थोड़ी थोड़ी सी बंद हो रही हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन, इसे कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये एक्यूट तब बोला जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हफ्ते से छोटा हो, 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस टोटल ड्यूरेशन होने से ठीक होने तक का। और ये सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन है, और ये कई सारे वायरसों की वजह से हो सकता है। अब आने वाला ओमिक्रॉन वायरस भी इसको कर रहा है। हर प्रकार का कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक गले वाला इन्फेक्शन भी आपके लंग्स के सांस की नलियों तक जाके इस प्रकार का ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस कर सकता है। अब ज्यादातर एक्यूट ब्रोंकाइटिस वायरस के वजह से होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज भी कई बार एक्यूट ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं। बट इवन इन दैट केस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर बैक्टीरिया के वजह से भी हो, तो भी अकॉर्डिंग टू CDC, अकॉर्डिंग टू जो हमारी मेडिकल गाइडलाइंस हैं, एंटीबायोटिक्स रेकमेंड नहीं किए जाते, बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं करते, आप बिना उसके ही ठीक हो जाते हो। इसके लक्षण क्या क्या हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि आपको कफिंग होगी, सांस में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और कई बार गला खराब होगा, गला सोर थ्रोट होगा, सोरनेस इन चेस्ट हो सकता है, और बिकॉज खांसी होती है, इन्फेक्शन है, तो टायर्डनेस, फटीग हो सकता है। फटीग अच्छा खासा रहेगा बिकॉज आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा कर रही है। आपको थोड़ा बहुत हेडेक, माइल्ड बॉडी एक्स रह सकते हैं, और यही सारे सिम्टम्स आपको ओमिक्रॉन में देखने को मिलेंगे, ओमिक्रॉन वायरस के अंदर। अब खांसी के साथ बलगम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बलगम बाहर आने वाला, अगर बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बाहर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बलगम आ रहा है। अब ऐसे में आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है और डॉक्टर के पास कब जाना है, पहले इसको समझते हैं। सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस
नॉर्मली एक या दो हफ्ते में खुद ठीक हो जाता है। इसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी कब जरूरी हो जाती है, अगर आपको टेम्परेचर 101 बेसिकली 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो रहा है, खांसी में अगर आपके ब्लड आ रहा है या ब्लडी जैसा कलर आ रहा है, ब्राउन कलर, लाल कलर, या अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अगर आपके सिम्टम्स 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस बार बार हो रहा है, ऐसे केस में आपको जाके डॉक्टर को टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए या ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहिए। सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस खुद से ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल दवा की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक तक की जरूरत नहीं होती है। वायरल और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, अपने आप ठीक हो जाए। बहुत ही रेयर केस होता है कि बैक्टीरियल केस होता है, बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस होता है, ऐसे केस में फिर आपको फीवर आएगा, तेज फीवर आएगा, तभी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। आप जितना हो सके घर में रेस्ट करिए। आप ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या कर रहे हैं, नंबर वन रेस्ट, नंबर टू बहुत सारा पानी पीना है, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पीजिए, लिक्विड्स पीजिए, पानी नहीं तो लिक्विड्स, हॉट या वार्म लिक्विड्स, कोई भी हॉट सूप लिक्विड, काढ़ा, व्हाटएवर यू वांट, चाय, अदरक वाली चाय, व्हाटएवर यू वांट, गर्म चीजें पीजिए। पानी से क्या होगा, आपके सांस की नली में जो जमा हो रहा है बलगम, वो होगा पतला, वो थोड़ा लाइट होगा, और इस बलगम को बाहर निकालने में आपके शरीर को आसानी होगी। नॉर्मली बलगम निकालने का एक प्रोसेस होता है, शरीर में छोटे छोटे सीलिया होते हैं सांस की नली में, जो लगातार बलगम को बाहर पुश करते रहते हैं। अगर बलगम गाढ़ा हो जाए, एक के ऊपर एक जमा हो जाए, तो ये पुश करना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल होती है तो एक के ऊपर जमा होकर आपको कंजेशन फील होता है। इसीलिए पानी ज्यादा पीना सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, कि अंदर से ही बलगम जो है पतला निकले, और ऊपर जो बलगम जमा हो गई है उसे पतला करने के लिए आप स्टीम ले सकते हैं, आप ह्यूमिडिफायर ले सकते हैं, आप वेपराइजर्स ले सकते हैं, आप बेसिकली नेबुलाइजर्स ले सकते हैं, स्टीम नॉर्मल नेबुलाइजर्स, और अगर नाक ब्लॉक हो रहा है तो सलाइन नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप्स आप ले सकते हैं स्टफी नोज के लिए। छोटे बच्चों है, बहुत छोटा है, तो सक्शन बल्ब, रबर सक्शन बल्ब आता है नाक को क्लियर, नेजल क्लियर करने के लिए म्यूकोस का, और स्टीम बहुत अच्छा है, स्टीम ब्रीद इन करना आपके ऊपर से बलगम को थोड़ा सा सॉफ्ट करता है, और वो आराम से बाहर आएगा, आपको रिलीफ देगा आपके सिम्टम्स में। लोजेंजेस को आप सर्व कर सकते हैं, और लोजेंजेस जो है 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, हनी दे सकते हैं उनको, शहद बड़े बूढ़े बच्चे खांसी कंजेशन उसके लिए अच्छा है, 1 साल से छोटे बच्चे को भी शहद नहीं देना चाहिए, और उस केस में आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आप ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आपको हेल्प करेंगी, जैसे अगर बॉडी पेन ज्यादा है, बुखार ज्यादा लग रहा है, या जस्ट कंजेशन भी लग रहा है, तो आप एंटी इंफ्लामेटरी पैरासिटामोल एसिटामिनोफेन ले सकते हैं, ये छोटे बच्चों को भी, 6 महीने से छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन होता है ब्रूफेन बॉडी पेन के लिए, लेकिन डिस्प्रिन एस्पिरिन नहीं लेना है, डिस्प्रिन एस्पिरिन जो है वो नहीं लेना है, उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे लिवर ब्रेन में डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वो एक एंटीप्लेटलेट है, याद रखिएगा। खांसी हो रही है, खांसी के लिए 4 साल से छोटे बच्चे को बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ और नहीं देना आपने, ठीक है। नॉर्मली कहते हैं हनी टस या हनी सिंपल हनी आपके लिए हेल्दी है, 1 साल से छोटे बच्चे में वो भी नहीं देंगे, और 4 साल से छोटा बच्चा है या 4 साल से बड़ा है, तो आप बेस्ट ऑप्शन है अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार जरूर खांसी की या कोल्ड की दवाई आप उनसे ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में पूछें। और प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कोई खास ट्रीटमेंट करना नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज मैनेज योर सिचुएशन, अपने जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम को रिलीफ देना है, थोड़ा समय रिलैक्स करना है, हफ्ते दो हफ्ते में आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, 2-3 दिन ज्यादा रहते हैं उसके बाद रिलीफ होने लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना रेस्ट किया, कितना पानी किया, कितना नहीं। और आगे अपना काम मेन है कि दूसरे को ना फैलाएं, तो अपने हाथ क्लीन रखें, और जिन लोगों को नहीं हुआ है वो वैक्सीन ना लें, जो स्मोक करते हैं सेकेंड हैंड स्मोक उन सब से बचें, और अगर आप बाहर जाते हैं तो खांसी आती है, छींक आती है, तो अपना हाथ जो है अपने खांसी छींक अपने एल्बो में करें, या फिर फेस कवर करके रखें, मास्क पहने, प्रोटेक्शन रखें, टेंशन की कोई बात नहीं है। सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज नॉट अ सीरियस डिजीज, रिमेंबर दैट, अनलेस एंड अंटिल इट गोज इनसाइड द लंग, आपके लंग के अंदर जाके निमोनाइटिस करता है, वो जानलेवा नहीं होता। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का ये जानकारी आपको समझ आई तो इसे शेयर करिए, ताकि लोग समझ पाए और इसे प्रिवेंट कर सके, डील कर सके, और सबसे बड़ा डर से बच सके। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।